हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कुक विद स्नेहा पर आपका स्वागत है। आज देखिए हमने लंच में क्या बनाया है। हमारे पास एक लौकी थी तो मैंने सोचा आज चलिए लौकी का कोफ्ता बनाते हैं। तो लौकी का कोफ्ता और मिस्सी रोटी, वो भी रागी और के आटे और बेसन से बनाएंगे। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उस आटे में हमने ज्वार भी मिला रखा है। अब ये देखिए टेस्टी कोफ्ता, वो भी हमने लोहे की कढ़ाई में बनाया। और इसमें देखिए हम इस तरह से अपनी लौकी को क्रश करेंगे। आपको बहुत पतला वाला नहीं लेना है, मीडियम साइज़ का, और इस ताकि इसकी पानी हम अच्छे से लौकी का दबा दबा कर निकाल दें। ये कोफ्ता बनाने के लिए तैयारी हो रही है। अब इस तरह से हमने तैयार कर लिया कोफ्ता बनाने के लिए। और इसमें हमने नमक डाला, लौकी में थोड़ा सा कूटा हुआ मसाला जिसमें मिर्च है, जीरा है भुना हुआ, और बाकी गरम मसाले हैं। और थोड़ा सा छोटे चम्मच से 2 चम्मच पहले बेसन डालेंगे। बेसन डालते समय हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बेसन नहीं होना चाहिए, लौकी के हिसाब से ही बेसन हो जाए यानी बाइंडिंग हो सके। थोड़ा सा हल्दी हम डालेंगे, और हमें अगर लगे कि ज़रूरत तो थोड़ा सा हमने बेसन यानी 2.5 चम्मच हमने छोटे चम्मच से बेसन डाले। अब कोफ्ते के राउंड्स हम बना कर तैयार कर दे रहे हैं। कढ़ाई एक तरफ हम गर्म करने को रख देते हैं। 1 बड़े चम्मच और आधा बड़ा चम्मच यानी 1.5 चम्मच मसाले, और मिलाकर पानी डाल के नमक डाल देते हैं। फिर उसके बाद इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए इसमें हमने काली मिर्च डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्च जो चॉप किया है मैंने, करी पत्ता भी मैंने चॉप करके रखा। नमक इसका मेन इंग्रेडिएंट है क्योंकि इसे ज़रूर डालना चाहिए, और हल्दी। इसमें हम सौंफ का पाउडर डालेंगे जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आप सौंफ का पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसके अंदर आप जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। और 3 चम्मच दही आप चाहें तो डालें, या 2 चम्मच दही और 1 चम्मच क्रीम, जिससे इसका क्रीमी टेक्सचर आएगा। और फिर हम 1 चम्मच इसमें भुना हुआ बेसन यानी सत्तू डाल रहे हैं, क्योंकि इस मसाले को हमको बिल्कुल भूनना नहीं है तो कच्चापन ना रहे, इसलिए हम भुना हुआ मसाला डाल रहे हैं, सत्तू डाल रहे हैं। अगर सत्तू ना हो तो चने, भुने चने का पाउडर बना लीजिए। इसमें धीमे धीमे हमें पानी डालना है ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बने। उसके लिए हम फिर थोड़ी देर इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालकर हम इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए इस तरह से पेस्ट एकदम क्रीमी दिए हैं। लोहे की कढ़ाई में हम फटाफट इसके तलेंगे, और आँच को बहुत धीमी रखें। आप नीचे से देखिए बहुत स्लो आँच है, क्योंकि कोफ्ता जो है हमारा अच्छे से इसमें पक जाए। सब्जी में तो हम इसे पकाएंगे नहीं, तो इसलिए कोफ्ता में जब हम पकौड़ी इसकी यानी कोफ्ता बना रहे हैं तो हम इसे तलें। उसके बाद मिर्च, लहसुन और धनिया इसे हमने पीसा है। फिर हम फटाफट तलने के बाद अपने कढ़ाई में से तेल निकाल लिए और पंचफोरन डाले, और क्रश किया हुआ जो हमने प्याज लिया था मिक्सर जार में, क्योंकि हम सोचे आज चॉपर का यूज़ नहीं करेंगे, तो फटाफट हम बना लिए। टाइम ज़्यादा हो रही थी और हमें काफ़ी काम था यानी कहीं जाना भी था हमें। अब देखिए प्याज हमारी जब अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाला हमने पहले भिगो के रख लिया था, आपको बताया था कि मसाला हम पहले भिगो के रख लेंगे। इसके बाद देखिए हम इसमें मिक्स आटा लिए थे जो ज्वार बाजरा रागी का, और उसमें 1/2 पोर्शन बेसन का डाले, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स क्योंकि बहुत तीखा है, अजवाइन के पत्ते, आपके पास धनिया के पत्ते हो या पुदीना के डाल सकते हैं, थोड़ा सा जीरा और घी। रोटी बहुत ज़्यादा तो फूलेगी नहीं पर बहुत ही टेस्टी होगी, क्योंकि इसमें जीरा हमने डाला है और पत्ते भी डाले हैं। लौकी का जो पानी था उसे हमने रख लिया था, और उसी पानी को डाल के हम आटा गूंथेंगे। आटा गूंथने में पूरा पानी हमारा नहीं खर्च हुआ, तो हम उस पानी का यूज़ अपनी सब्जी में भी करेंगे। देखिए मसाला भून लिया गया है, 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पर लग जाते हैं मसाला भूनने में। और उसके बाद फिर हमने 1 ग्लास और पानी डाला। पानी डाल के अब हम मसाले को अच्छी तरह से उबलने देंगे। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दे रहे हैं क्योंकि भूल गए थे, और थोड़ा सा घी जो इस सब्जी का जायका बढ़ाएगा, ये टिप्स है। थोड़ा सा घी अगर आप डाल देंगे, देसी घी डालते ही सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती। जब ये पूरी तरह से उबल जाए तो कोफ्ता डालकर हमें ढक देना है। और इस तरह से इस आटे को हमने मसल लिया। रेस्ट नहीं देंगे क्योंकि आपको बताया है कि ये अंकुरित आटे हैं मिक्स, सारे रेस्ट देंगे तो इनकी रोटियां बेलनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी और चिपकती ये रोटियां हैं। पर हम तुरंत
इसे गूथे हैं और तुरंत बनाएंगे तो ये हमारी चिपकेगी नहीं, क्योंकि जो चने का बेसन है वो भी मैंने अच्छे से दालों को धुला था, धुल के भिगो के रखा, सुखाया, तब इसका हमने बेसन बनाया था घर में चक्की में भेज के, तो इस कारण ये भी फर्मेंटेड है। तो हमें फटाफट इस तरह से रोटी बना लेनी, गेहूं की तरह रोटी ये चिकनी तो नहीं बन रही है, थोड़ा सा क्रैक्स इसमें आ रहा है क्योंकि ये रोटी सारे मिक्स अनाज की है। इसके साथ ही इसमें हम बताना भूल गए, थोड़ा सा मिक्स आटे में हमने मक्के भी मिला लिए थे और रोटी को हम मीडियम फ्लेम पे दोनों पर तरफ उलट पलट कर सेक लेंगे, फिर उसके बाद अपनी रोटी हम गैस पे सेकेंगे। इसको अच्छे से आपको पका लेनी है, आप चाहें तो इसे तवा पे भी कर सकते हैं, सेम इसी तरह हम बाकी रोटियों को पकाएंगे। दूसरी तरफ मैंने चावल रखा है पकने को, क्योंकि हम माड़ निकाल के चावल आजकल यूज़ करते हैं, मुझे शुगर होने के कारण चावल में माड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, माड़ निकाल देंगे तो ये ज़्यादा हमें नुकसान नहीं करेगा। और फिर इस तरह से हमने अपनी ताज़ी रोटियां सारी सेक कर तैयार कर ली। रोटियां सेकते ही हम इसमें घी डालेंगे, अगर घी डालते हैं देसी घी तो ये रोटियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब देखिए इस तरह से हम लेंगे, एक रोटी पे ढेर सारा घी डाल दिए, उसी पे फटाफट हम बाकी रोटियां डालते चले जाएंगे। ये पुराना तरीका है, एक एक में रोटी में घी लगाना थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है और उतना मज़ा नहीं आता। मैंने अपनी मम्मी से सीखा था, वो अक्सर रोटियां, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा थे तो ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ती थी तब, और फिर वो एक साथ ही इसी तरह से रोटियों में घी लगा कर रख देती थी। जब रोटी में लगता था कि कम घी लगा हुआ है तो फिर से एक साथ घी डाल लेती थी रोटी पे और फिर इसके साइड में करके चुपड़ लेती थी। पूरी रोटियां चुपड़ी हुई हमारी तैयार हो गई हैं, ये कोफ्ते के साथ खाने के लिए। देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी हमारी रागी की बनकर तैयार और बेसन की मिस्सी रोटी बनकर तैयार है। मैंने इसे बहुत पतला नहीं बेला है, जैसे गेहूं की रोटी हम बहुत पतली बेल लेते हैं उस तरह से मैंने नहीं तैयार की है। इसे कोफ्ता के साथ हमें खाना है और हमारा चावल भी पककर तैयार है। अब थोड़े से कोफ्ते ठंडे हो गए तो हमने सोचा इस पे लाओ मलाई डाल दें, और क्योंकि अंदर हमने मलाई आज स्टफ नहीं किया था ना खोया, क्योंकि मेरे पास खोए थे ही नहीं, अगर खोए हो या पनीर हो तो आप ज़रूर लौकी के कोफ्ते में स्टफ़ कर दीजिए। देखिए टेस्टी सी रोटी हमारी और कोफ्ता बनकर तैयार है, उसके साथ ही चावल, बहुत ही एक सब्जी में जायका पूरी लंच का आ गया। अगर आपको ये सॉफ्ट लौकी का कोफ्ते की रेसिपी पसंद आती है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।